गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे स्पेक्ट्रोमीटर के भाग। स्पेक्ट्रोमीटर के भाग ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर में मुख्य रूप से ये जो भाग है अभी जो मैं बताने वाली हूँ वो भाग जो है वो जरूर या अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर में एक तो स्रोत ठीक है, दूसरा सैंपल ट्यूब ठीक है, तीसरा मोनोक्रोमेटर ठीक है, चौथा डिटेक्टर, पांचवा रिकॉर्डर ठीक है। तो ये पांच भाग जो है वो स्पेक्ट्रोमीटर में मुख्य रूप से अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर में ये पांच जो भाग है वो अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं ठीक है। सामान्य स्पेक्ट्रोमीटर में ये पांच भाग जो है वो अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। अब तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो क्या आता है? सोर्स आता है ना, क्या आता है? सोर्स। ये क्या है? SOUR, सोर्स यानी कि स्रोत ठीक है, स्रोत। फिर नेक्स्ट आता है, ये स्रोत है, इससे क्या हुई? I0 विकिरण यानी कि इंसिडेंट, इससे I0 विकिरण निकली स्रोत से। तो अब ये किस में जाएगी? सैंपल ट्यूब के अंदर। ये क्या है? सैंपल ट्यूब, टी ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? टी। ये है सैंपल ट्यूब। अब सैंपल ट्यूब से विकिरण कहां जाएगी? ये आई विकिरण कहां जाएगी? मोनोक्रोमेटर। कहां जाएगी? मोनोक्रोमेटर, एम, मोनो मोनोक्रोमेटर ठीक है। उसके बाद जाएगी डिटेक्टर के, डिटेक्टर। ये क्या है? डिटेक्टर ठीक है, डिटेक्टर के अंदर जाएगी। अब नेक्स्ट जाएगी रिकॉर्ड होने, रिकॉर्डर में। ठीक है, ये क्या है? रिकॉर्डर, डी डिटेक्टर, ये है रिकॉर्डर ठीक है। तो इसको शॉर्ट में हम कैसे याद रखेंगे? STMDR ठीक है। तो किसी भी स्पेक्ट्रोमीटर में ये भाग जो है वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं, STMDR। ये जो पांच भाग है एक स्पेक्ट्रोमीटर में मुख्य रूप से पाए जाते हैं ठीक है। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं सोर्स से, हम स्टार्ट करते हैं सोर्स से ठीक है। तो हेडिंग लगा लेते हैं पहली, स्रोत। पहली हेडिंग लगा लेते हैं स्रोत या सोर्स। तो स्रोत या सोर्स क्या है? ये विद्युत चुंबकीय विकिरणों का क्या है? स्रोत है। ये विद्युत चुंबकीय विकिरणों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या है? स्रोत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? इस स्रोत से आती है ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या है? ये सोर्स है या स्रोत है ठीक है, जिसका उपयोग आणविक संरचना का निर्धारण करने में किया जाता है। जिसका उपयोग जो है वो आणविक संरचना ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोप के अनुसार अलग अलग स्रोत यूज किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोप के अनुसार अलग अलग स्रोत या सोर्स यूज किए जाते हैं। जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो उसके अंदर हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम विसर्जन लैंप एज अ सोर्स यूज किया जाता है ठीक है। जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम विसर्जन लैंप एज अ सोर्स यूज किया जाता है
ठीक है। इसी तरह से विजिबल यानी कि दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी में, दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी में गर्म टंगस्टन तंतु या बल्ब सोर्स के रूप में यूज किया जाता है। गर्म टंगस्टन तंतु या बल्ब जो है वो सोर्स के रूप में यूज किया जाता है, एज अ सोर्स यूज किया जाता है। फिर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी लेते हैं, तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में नर्न्स्ट ग्लोवर, नर्न्स्ट ग्लोवर एज अ सोर्स यूज किया जाता है। अब आप पूछोगे कि नर्न्स्ट ग्लोवर क्या होता है, तो नर्न्स्ट ग्लोवर क्या है कि जर्कोनियम इट्रियम और थोरियम, जर्कोनियम इट्रियम थोरियम और दुर्बल धातुओं के ऑक्साइड की छड़ क्या कहलाती है, नर्न्स्ट ग्लोवर कहलाती है, नर्न्स्ट ग्लोवर कहलाती है। जर्कोनियम इट्रियम थोरियम और दुर्बल धातुओं के ऑक्साइड की छड़ क्या कहलाती है, ऑक्साइड की छड़ कहलाती है नर्न्स्ट ग्लोवर। ठीक है, उसके जैसे ही ये आईआर में यूज किया जाता है, नर्न्स्ट ग्लोवर जो है वो एज अ सोर्स आईआर में यूज किया जाता है। और आईआर में एक और सोर्स यूज किया जाता है, वो है ग्लोबर। वो क्या है, ग्लोबर। वो क्या होता है, ग्लोबर क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड की, सिलिकॉन कार्बाइड की छड़ होती है। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड की छड़ को क्या बोलते हैं, ग्लोबर कहते हैं, जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एज अ सोर्स यूज किया जाता है। अब इसको क्या कहता है, विद्युत द्वारा गर्म करके यूज में लिया जाता है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में विद्युत द्वारा ग्लोबर को गर्म करके फिर यूज लिया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलग अलग सोर्स यूज किए जाते हैं, और सोर्स क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का स्रोत है, जिससे क्या, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, आणविक संरचना ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो पहली हेडिंग लगा लेते हैं, सोर्स अपन ने लिख लिया वैसे, तो स्रोत जो है यह विद्युत चुंबकीय विकिरणों का, यह विद्युत चुंबकीय विकिरणों का स्रोत है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का स्रोत है, जिसका उपयोग आणविक संरचना ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग आणविक संरचना ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुसार अलग अलग सोर्स होते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोप के अनुसार स्रोत उपयोग किए जाते हैं। तो मेरे को मिटाना ही पड़ेगा ये वाला। विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोप के अनुसार स्रोत प्रयोग किए जाते हैं, जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोप में, स्पेक्ट्रोस्कोप में क्या यूज किया जाता है, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम विसर्जन लैंप एज अ सोर्स यूज किया जाता है, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम ठीक है, इसको या ब्रैकेट में लिख सकते हैं, हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम विसर्जन लैम्प, विसर्जन लैम्प एज अ सोर्स यूज किया जाता है, या सोर्स के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम विसर्जन लैम्प स्रोत का उपयोग किया जाता है, स्रोत का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोप में कौन सा यूज किया जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा सोर्स यूज किया जाता है, तो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में गर्म टंगस्टन तंतु, गर्म टंगस्टन तंतु या बल्ब
स्रोत के रूप में यूज किया जाता है, स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर इसी तरह से आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ले लेते हैं। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा सोर्स यूज काम में लेते हैं? नर्स्ड ग्लोवर, नर्स्ड ग्लोवर। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में नर्स्ड ग्लोवर, नर्स्ड ग्लोवर नर्स्ड ग्लोवर एज अ सोर्स यूज किया जाता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और नर्स्ड ग्लोवर क्या होता है? नर्स्ड ग्लोवर होता है जर्कोनियम, इट्रियम, थोरियम और दुर्बल धातुओं की क्या है? ऑक्साइड की छड़। दुर्बल धातुओं की ऑक्साइड की छड़ क्या कहलाती है? नर्स्ड ग्लोवर कहलाती है। और ग्लोबर भी क्या है? वो भी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एज अ सोर्स यूज किया जाता है। तो वो ग्लोबर क्या होता है? सिलिकॉन कार्बाइड की छड़ होती है जिसे विद्युत द्वारा गर्म किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड की छड़ होती है कौन? ग्लोबर, जिसे विद्युत द्वारा क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया सोर्स। ठीक है, ये क्या हो गया? तो फिर सेकंड अपने क्या आता है? सैंपल ट्यूब या प्रादर्श नली। सैंपल ट्यूब या फिर क्या बोलते हैं उसको? प्रादर्श नली। सैंपल ट्यूब या प्रादर्श नली। तो नंबर टू लगाते हैं, नंबर टू पे आता है प्रादर्श नली। या सैंपल ट्यूब। ठीक है, प्रादर्श नली या फिर सैंपल ट्यूब। अब प्रादर्श नली का निर्माण ऐसे पदार्थ से किया जाता है, प्रादर्श नली का निर्माण जो है वो ऐसे पदार्थ से किया जाता है जो स्रोत से प्राप्त विकिरणों का क्या? अवशोषण न करती हो। प्रादर्श नली का निर्माण ऐसे पदार्थ से किया जाता है जो स्रोत से प्राप्त विकिरणों को अवशोषित नहीं करता हो। स्रोत से प्राप्त विकिरणों को अवशोषित नहीं करता, तो फिर विकिरणों का अवशोषण क्या कौन करता है? तो प्रादर्श नली के अंदर जो पदार्थ भरा होता है, प्रादर्श नली के अंदर जो पदार्थ भरा होता है वो क्या करता है? विकिरणों का अवशोषण करता है। जो स्रोत से प्राप्त होने वाली विकिरणें है ना, उनका अवशोषण करता है प्रादर्श नली के अंदर भरा पदार्थ। ठीक है, अब अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलग अलग प्रादर्श नली काम में ली जाती है। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में NaCl या KBr की बनी प्रादर्श नली यूज में ली जाती है। ठीक है, दूसरा फिर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्वार्ट्ज या कैल्शियम कार्बोनेट से बनी प्रादर्श नली काम में ली जाती है। फिर दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कांच से बनी प्रादर्श नली काम में ली जाती है। ठीक है, तो प्रादर्श नली क्या होता है? कि प्रादर्श नली का निर्माण ऐसे पदार्थ से किया जाता है जो स्रोत से प्राप्त विकिरणों का अवशोषण न करती हो। प्रादर्श नली का निर्माण का निर्माण ऐसे पदार्थ से किया जाता है जो स्रोत से प्राप्त, प्रादर्श नली का निर्माण ऐसे पदार्थ से किया जाता है जो स्रोत से प्राप्त विकिरणों का अवशोषण न करती हो। प्राप्त विकिरणों का
अवशोषण न करती हो। ठीक है, तो प्रादर्श नली का निर्माण ऐसे पदार्थ से किया जाता है जो स्रोत से प्राप्त विकिरणों का अवशोषण नहीं करती हो। ठीक है, अब विकिरणों का अवशोषण कौन करता है? तो स्रोत से प्राप्त I0 विकिरण प्रादर्श नली में भरे पदार्थ से अवशोषण के बाद, स्रोत से प्राप्त I0 विकिरण जो थी ना, स्रोत से कौन सी विकिरण निकली थी? I0। ठीक है, तो स्रोत से प्राप्त I0 विकिरण प्रादर्श नली में भरे पदार्थ से अवशोषण के बाद, प्रादर्श नली में भरे पदार्थ से अवशोषण के बाद पारगत आई विकिरण थी, जो ये सैंपल ट्यूब थी, ठीक है, उससे कौन सी निकली थी? आई, पारगत, सैंपल ट्यूब से पारगत आई विकिरण। ठीक है, स्रोत से प्राप्त I0 विकिरण प्रादर्श नली में भरे पदार्थ से अवशोषण के बाद पारगत आई विकिरण मोनोक्रोमेटर यानी विश्लेषण हेतु किसमें डाला जाता है? उसको भेजा जाता है विश्लेषण हेतु, उसको मोनोक्रोमेटर या विश्लेषक में भेजा जाता है। ठीक है, तो उससे पहले अपन ये लिख लेते हैं कि अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस किस पदार्थ की बनी पदार्थ नली यूज में ली जाती है। तो सबसे पहले IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में NaCl या KBr से बनी प्रादर्श नली काम में ली जाती है। ठीक है, फिर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, क्वार्ट्ज या कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित प्रादर्श नली काम में ली जाती है। क्वार्ट्ज या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से बनी प्रादर्श नली काम में ली जाती है। ठीक है, फिर और कौन सी? दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी, दृश्य या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कांच से बनी प्रादर्श नली काम में ली जाती है। कांच से बनी प्रादर्श नली काम में ली जाती है। ठीक है, अब देखो ये क्या करता है प्रादर्श नली, तो उसका निर्माण तो ऐसे पदार्थ से किया जाता है जो स्रोत से प्राप्त विकिरणों का अवशोषण नहीं करती है। अब विकिरणों का अवशोषण कौन करता है? तो प्रादर्श नली में भरा पदार्थ जो है वो क्या करता है? विकिरणों का अवशोषण करता है। प्रादर्श नली में भरा पदार्थ जो है वो विकिरणों का अवशोषण करता है। अब देखो, अब स्रोत से प्राप्त I0 विकिरण, स्रोत से प्राप्त I0 विकिरण प्रादर्श नली में भरे पदार्थ से अवशोषण के बाद, प्रादर्श नली में भरे पदार्थ से अवशोषण के बाद, पारगत आई विकिरण, अवशोषण के बाद पारगत आई विकिरण को विश्लेषण हेतु किसमें भेजा जाता है? विश्लेषक या मोनोक्रोमेटर में भेजा जाता है। विकिरण को विश्लेषण हेतु मोनोक्रोमेटर हिंदी में क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटर को विश्लेषक में भेजा जाता है, ठीक है। तो स्रोत से प्राप्त I0 विकिरण, ये जो अपन को स्रोत से I0 विकिरण प्राप्त हुई थी वो सैंपल ट्यूब से कहाँ जाती है?
सैंपल ट्यूब से पारगत आई विकिरण किसे जाते हैं? मोनोक्रोमेटर में। किसमें? मोनोक्रोमेटर में जाते हैं। ठीक है, तो स्रोत से प्राप्त आई जीरो विकिरण प्रादर्श नली में भरे पदार्थ से अवशोषण के बाद पारगत आई विकिरण जो है वो विश्लेषण हेतु विश्लेषक यानी कि मोनोक्रोमेटर में जाती है या भेजा जाता है उसको। फिर अपन नेक्स्ट हेडिंग लगा लेते हैं विश्लेषक। अब तीसरा पॉइंट कौन सा है? प्रादर्श नली हो गए। अब प्रादर्श नली से पारगत विकिरण आई विकिरण किसमें जाती है? विश्लेषक यानी कि मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर नंबर थ्री। विश्लेषक मोनोक्रोमेटर। ठीक है, मोनोक्रोमेटर यानी कि विश्लेषक। तो अब देखो विश्लेषक में क्या होता है। देखो ये उसी पदार्थ का बना होता है जिस पदार्थ की क्या बनी होती है? प्रादर्श नली बनी होती है। ये मोनोक्रोमेटर उसी पदार्थ का बना होता है जिस पदार्थ की प्रादर्श नली बनी हुई होती है। अब विश्लेषक करता क्या है? तो यह विकिरणों के समूह में उपस्थित तरंग दैर्ध्य को मान के अनुसार क्या करता है? पृथक करता है। यह विकिरणों में उपस्थित तरंग दैर्ध्य के विकिरणों के समूह में उपस्थित तरंग दैर्ध्य को क्या उनके मान के अनुसार क्या करता है? पृथक करता है। ठीक है, तो यह उसी पदार्थ का बना होता है जिस पदार्थ की क्या बनी होती है? प्रादर्श नली होती है। यह उसी पदार्थ से निर्मित होता है, यह उसी पदार्थ से निर्मित होता है जिससे कि कौन बनी होती है? जिससे प्रादर्श नली बनी होती है, जिससे प्रादर्श नली बनी होती है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि ये विकिरणों के समूह में उपस्थित तरंग दैर्ध्य को यह विकिरणों के समूह में उपस्थित तरंग दैर्ध्य को मान के अनुसार तरंग दैर्ध्य को मान के अनुसार पृथक करता है। तरंग दैर्ध्य को अलग अलग मान के अनुसार क्या करता है? पृथक करता है। ठीक है, तो ये हो गया मोनोक्रोमेटर या विश्लेषक। मोनोक्रोमेटर या विश्लेषक। फिर अपने नंबर चार पर आता है संसूचक, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिटेक्टर। संसूचक या डिटेक्टर नंबर चार। नंबर चार पे है संसूचक, जिसको क्या बोलते हैं? डिटेक्टर। क्या बोलते हैं जिसको? डिटेक्टर बोलते हैं। ठीक है, संसूचक या डिटेक्टर। अब संसूचक क्या करता है या डिटेक्टर क्या करता है? तो ये विकिरण ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक है, तो संसूचक का काम क्या हुआ? विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है,
विकिरण ऊर्जा को यह विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, यह क्या करता है, यह विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो ये काम हो गया डिटेक्टर का। नेक्स्ट काम किसका आता है, नेक्स्ट काम आता है अपने नंबर 5 पे। नंबर 5 पे कौन है, नंबर 5 पे है रिकॉर्डर। कौन है नंबर 5 पे, रिकॉर्डर। रिकॉर्डर को हिंदी में बोलते हैं अभिलेखी, अभिलेखी। रिकॉर्डर, ठीक है। अब ये क्या करता है, संसूचक यानी कि डिटेक्टर से प्राप्त विद्युत ऊर्जा, डिटेक्टर से प्राप्त विद्युत ऊर्जा एक प्रवर्धक द्वारा प्रवर्धित होकर, प्रवर्धक द्वारा प्रवर्धित होकर अभिलेखनी उपकरण की यानी कि रिकॉर्डर की लेखनी को एक अभिलेख पत्र पर चलाती है। ठीक है, ये क्या करता है, संसूचक द्वारा प्राप्त विद्युत ऊर्जा एक प्रवर्धक द्वारा प्रवर्धित होकर अभिलेखनी उपकरण की लेखनी को एक अभिलेख पत्र पर चलाती है। ठीक है, इस तरह से चार्ट पर प्राप्त आलेख से क्या होता है, चार्ट पर एक आलेख प्राप्त होता है जो क्या होता है, विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के प्रतिशत अवशोषण को दर्शाता है। चार्ट पर प्राप्त आलेख जो विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के प्रतिशत अवशोषण को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं, या उस नमूने को क्या कहते हैं, या उस नमूने का अवशोषण क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। उस नमूने का अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है, उस नमूने का अवशोषण क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। तो अब देखते हैं क्या है अभिलेखनी, तो संसूचक द्वारा प्राप्त, संसूचक द्वारा प्राप्त विद्युत ऊर्जा एक प्रवर्धक द्वारा प्रवर्धित होकर, विद्युत ऊर्जा क्या करती है, प्रवर्धित, प्रवर्धक द्वारा प्रवर्धित होकर अभिलेखनी उपकरण, अभिलेखनी उपकरण की लेखनी को, उपकरण की लेखनी को अभिलेख पत्र पर चलाया जाता है, या अभिलेख पत्र पर क्या करती है, चलाती है विद्युत ऊर्जा अभिलेख पत्र पर, लेखनी को अभिलेख पत्र पर चलाती है। ठीक है, अभिलेख पत्र पर चलाती है, जिससे क्या होता है, चार्ट पर एक आलेख प्राप्त होता है। अब चार्ट पर प्राप्त आलेख, चार्ट पर प्राप्त आलेख, चार्ट पर प्राप्त आलेख जो विभिन्न तरंग दैर्ध्यों का क्या है, प्रतिशत अवशोषण, जो विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के प्रतिशत अवशोषण को दर्शाता है, तरंग दैर्ध्यों के प्रतिशत अवशोषण, प्रतिशत अवशोषण को दर्शाता है। उस नमूने का, उस नमूने के अवशोषण को क्या कहता है, उस नमूने का अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है, उसी नमूने का अवशोषण क्या कहलाता है, उस नमूने का स्पेक्ट्रम, उस नमूने का अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है, उस नमूने का अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता। ठीक है, तो संसूचक से प्राप्त विद्युत ऊर्जा
प्रवर्तक द्वारा प्रवर्धित होकर क्या करती है, रिकॉर्डर पर उसकी लेखनी को, जो भी रिकॉर्डर में वो आते हैं उसकी लेखनी को अभिलेख पत्र पर क्या करती है, चलाती है। ठीक है, अब चार्ट पर जो भी वो आलेख टाइप में प्राप्त होता है, जो भी ये आलेख टाइप में जो भी प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, वो क्या होता है, उसका उस नमूने का अवशोषण क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता। ठीक है, तो चार्ट पर प्राप्त आलेख जो विभिन्न तरंगदैर्ध्यों के प्रतिशत अवशोषण को दर्शाता है उस नमूने का अवशोषण क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो ये क्या है, रिकॉर्डर है। ठीक है, रिकॉर्डर है। फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन या अनुमान। वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे।